तो स्वागत है एक नई 30 डेज वेट लॉस चैलेंज पे। बहुत ही इफेक्टिव सी नई वर्कआउट। आपके सवाल थे कि सर अपर बॉडी को लेकर कोई वर्कआउट वीडियो बनाओ, तो ये है अपर बॉडी से रिलेटेड वर्कआउट। एक चीज बता दूं, अगर आप सैगिंग से परेशान हो तो ये वर्कआउट आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। इससे सिंपल वर्कआउट हो नहीं सकती है और ये उतनी ही इफेक्टिव है। कुछ कुछ इक्विपमेंट्स के नीड पड़ेंगे जो आपके घर पे इजीली होंगे, टॉवल और पिलो, उसके सारे यहाँ पे हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना, फॉरवर्ड करके मत देखना, पूरा इंटायर वीडियो देखने की जरूरत है, तभी जाकर चीजों को आप समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्म के बारे में, मसल माइंड कनेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया। तो आइए शुरू करते हैं। अब जो यहाँ पे हमारी पहली वर्कआउट है, वहां पे हमें चाहिए दो क्वेश्चंस। ये सोफा क्वेश्चन है तो गंदा मत करना, इस बात का ध्यान रखना, तो घर पे डांट पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग पुशअप का दूसरा वेरिएशन है, चेस्ट पुलओवर का एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो आप। तो आपको दोनों पुशअप को पहले अंदर साइड रखना है और हाथ की जो प्लेसमेंट है, जहाँ पे आपका चेस्ट है उसके ठीक सामने आपका हाथ होना ज़रूरी है। सेम वैसे ही इस हाथ से। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले आपको ग्रिप अच्छी रखनी है और इसको हल्का सा वाइड ले जाना है और फिर वापस। ध्यान रखना वापस आते समय और स्ट्रेच करते समय आपके एल्बोस बेंड ना हो। ये देखा, फिर भी मेरे हाथ जहां मैंने उठाए थे वहीं ला दिए, देन मैंने स्ट्रेच किए, देन मैंने अंदर ला दिए। अब इसके आप कम से कम 10 से 15 रिपीटेशंस निकालोगे और 3 सेट आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। अगर आप सैगिनेस से या लिफ्ट कराना चाहते हो अपने ब्रेस्ट, तो यह वर्कआउट बहुत इफेक्टिव। आइए 10 रेप्स में करके दिखाता हूँ सिंपल सिंपल टेक्निक के साथ। बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो, बहुत जरूरी है टेक्निक समझना यहाँ के बारे में। नंबर 1, स्ट्रेच, होल्ड, देन वापस। सिंपल 1, 2, सांस लंबी लो, 3, सांस बाहर, 4, यस, 5, 6, 7, 8, back straight, 9, one more, straight, then back। तो ये हुई हमारी पहली और सबसे इफेक्टिव वर्कआउट। आपको चेस्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो फर्श पे टाइल्स होना ज़रूरी है, नहीं तो ये फट जाने हैं। तो वहीं पे करना जहाँ पे फ्लोर आपका थोड़ा स्लिपरी हो, और अगर स्लिप नहीं करता है तो आप ऐसे जगह पर करो जहाँ पे हल्का सा आपको लगता है ये स्लिप कर जाना चाहिए। आइए करते हैं अब सेकेंड वर्कआउट। अब जो हमारी दूसरी वर्कआउट है वो इसी कुशंस के सहारे करने वाले हैं। अब ये है पुशअप्स कुशंस, अब ये नाम जो भी आप रख लो। अब ध्यान कर रखना है, मैं फिर से बोला स्किप बिल्कुल मत करना। हाथों की जो प्लेसमेंट है वो कुशन के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, तब जाके आपका जो चेस्ट का मिड सेक्शन और लोअर सेक्शन है वो इन्वॉल्व होने वाला है। पैर को थोड़ा सा पीछे रखेंगे, अगर आप इस पोजीशन पर करते हो तो ठीक है, अगर आप इस पोजीशन पर करते हो तो और अच्छी बात है। तो हम लोग फिलहाल ये करते हैं, ज़्यादातर फीमेल से पुशअप्स नहीं हो पाते। तो नीज को बेंड रखो, पैर पीछे, ऐसे क्रॉस भी आप कर सकते हो। अब नीचे जाना है, हल्का सा टैप करो, देन अप, नीचे गए, हल्का सा होल्ड किए, देन अप। ध्यान से रखो, गलती कहाँ होती है, यहाँ पे एल्बोज को हम लोग वाइड कर लेते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना। एल्बो क्लोज रखो बॉडी के, नीचे गए, देन अप, पूरा नीचे गए, देन अप। 10 रैप्स कम से कम आपको ये वाले लगाने हैं। ध्यान रखना जो कुशन है वो प्रेस नहीं होना चाहिए, ये नहीं करोगे, ये कतई भी नहीं करना है। 8, चेस्ट अप, 9, नीचे गए, एंड 10। अगेन 10 रेप्स के आप कम से कम 3 सेट लगाओगे, तब जाके आपका अपर चेस्ट, तो हम लोगों ने पहली बार वर्कआउट में ट्रेन कर लिया, सेकेंड में हम लोग अपने मिड सेक्शन को, चेस्ट का जो मिड सेक्शन है वो ट्रेन कर लिए हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारा लोअर सेक्शन, जो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं अब थर्ड वर्कआउट की ओर।
सो जो अब तीसरी जो वर्कआउट है वो इस टॉवल की नीड होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें हार्ड वर्कआउट की नीड नहीं है, यहाँ पे आप इजीली टेंशन क्रिएट करके ये चीज़ को फिक्स कर सकते हो नेचुरली। बट यहाँ पे डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो फ्री में डाइट चार्ट चाहिए तो मुझे आप इंस्टा हैंडल पे मैसेज फॉलो ज़रूर करें। तो इस क्वेश्चंस को यहाँ रखेंगे और जो आपका ये मसल है डेल्ट मसल यानी कि जो चेस्ट का पीछे वाला पार्ट है आपको इस पर टिका देना है सिंपल, ताकि जो आपकी चेस्ट है वो ऊपर साइड लिफ्ट रहे। ठीक, अब पैर को ज़मीन पर अच्छे से ग्रिप लो और इस टॉवल को ग्रिप दोनों साइड से प्रॉपर बराबर बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अब स्ट्रेच करते हुए हाथ कहाँ रहेंगे, हमारे शोल्डर के ठीक सामने, यानी कि जहाँ पे हमारा चेस्ट आ रहा है उसके ठीक सामने हमारा हाथ होना ज़रूरी है। अब लंबी सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे पूरा स्ट्रेच और सांस छोड़ते वापस, गर्दन फिर हमारी वापस भी आ जाएगी। अगर सर्वाइकल है तो गर्दन सामने रखना। अगेन ब्रीद इन, पीछे ले गए, होल्ड किए, डाउन सिंपल, पीछे टॉवल ढीली ना हो, जितना हो सके उतना उसको टाइट पकड़ना, एल्बोज हमारे कहीं ना बैंड। चौथी बार टॉवल टाइट, एल्बो स्ट्रेट, पीछे ले गए, down up. तो ये थी तीन वर्कआउट, बहुत इजी और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट, बशर्ते आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। इसके लिए आपको डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट है आपके लिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, विद इन 24 आवर आपको डाइट चार्ट मिल जाएगा। तो इसके लगाने हैं आपको अभी 10 रेपिटेशंस के, अगेन 3 सेट, दैट्स इट। 3 वर्कआउट करो, सभी के 3-3 सेट लगाओ। इसके साथ कोई और वर्कआउट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल चेस्ट को लिफ्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो सिंपल ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग से वर्कआउट में। बाय बाय, टेक केयर। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग से